आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में भी इस प्लाजो का घेरा बहुत ही अच्छा आता है। इसका पैटर्न और स्टिचिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये कैसे कटिंग और इसकी स्टिचिंग होती है। मैंने यहाँ पे क्रेप का फैब्रिक लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, आप इसकी जगह प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं। क्रेप की जगह आप कॉटन फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप फ्लोरल प्रिंट, चेक वाला प्रिंट या फिर प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पे DIY, क्राफ्ट, फैशन, स्टाइल और स्विंग से रिलेटेड वीडियो को शेयर किया जाता है। तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को भी जरूर देखें। बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग फैब्रिक को प्रेस कर लेंगे और उसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इस साइड हमारा क्लोज पार्ट है और इधर से ये ओपन साइड है। ऊपर से हम लोग 3.5 इंचेज पे मार्क कर लेंगे। इस पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा 3.5 इंचेज का स्ट्रिप्स जो कट हुआ है, वो हमारे बेल्ट में लगेगा जब हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। इसे पहले हम लोग अलग कर लेंगे। ये प्लाजो मैं मीडियम साइज के लिए बना रही हूँ। आप यहाँ से इसमें 11 इंचेज मार्क कर लें। अगर आप स्मॉल साइज के लिए बनाएंगे तो 10 इंचेज मार्क कर लीजिएगा। अगर आप लार्ज साइज के लिए बनाएंगे तो 12 इंचेज पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 10 इंचेज पे मार्क लगाएंगे और इस साइड से भी हम लोग 11 इंचेज पे ही मार्क लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम लोग 3 इंचेज पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से 2.5 इंचेज पे एक मार्क कर लेंगे। ये 1/2 इंच हम लोग स्टिचिंग के लिए लिए हैं। यहाँ से इसे हम लोग कर्व शेप दे लेंगे। यहाँ से जो हमारा फुल घेरा है वो करीब 15 इंचेज का है। 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई के लिए, फिर भी ये 14.5 इंचेज बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर ये जो मार्किंग है जो हम लोग 3 इंचेज पे लगाए थे, वहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इस पे मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ सेंटर के पास हम लोग नॉच लगा लेंगे। इस तरह से दोनों को हम लोग अलग करेंगे। दोनों सिरों को पकड़ के हम लोग इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट के लिए 1.5 इंच डाउन करेंगे, तो यहाँ हम लोग 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ सेंटर पे हम लोग जो नॉच लगाए थे, वहाँ से हिप कर्व की मदद से हम लोग इस तरह से शेप बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल हमारा तिरछा बन जाएगा। ये हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और ये बैक की तरफ रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी कटिंग कर ली है, अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हेम लाइन है हमारा, उसे इस तरह से पहले 1/2 फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे 1 इंच के डिस्टेंस पे। तो टोटल जो हमारा अंदर जाएगा मार्जिन, वो होगा 1.5 इंच का। 1/2 इंच इस तरह से और 1 इंच इस तरह से, और इस पे हम लोग स्टिच लगा लेंगे। स्टिचिंग या कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेम लाइन को फिनिश करने के बाद हम लोग इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। इधर हमारा राइट साइड रहेगा और इधर रॉन्ग साइड रहेगा। और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम लोग पूरे में इस तरह से साइड सीम को स्टिच कर लेंगे। अगर आप इसका मोहरी कम रखना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार इसे कम कर सकते हैं।
इस तरह से ये हमारा स्टिच लग गया है। सेम ऐसे ही हम लोग एक और जो है पीस उसे भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे ओवरलॉक भी कर लिया है। ये क्रेप का फैब्रिक है इसलिए इसमें एजेज पे फ्रिल निकल जाता, तो मैंने ओवरलॉक किया है। अगर आप कॉटन का बनाएंगे तो आप ओवरलॉक नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अगर आप ओवरलॉक मशीन का क्लीनिंग, वाइलिंग और थ्रेडिंग का प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे ज़रूर चेक करें। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में आई बटन पे भी प्रेस करने पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों लेग का साइड सेम स्टिच करने के बाद हम लोग इसका राइट साइड और इसका राइट साइड एक दूसरे से फेस करेगा और इस तरह से हम लोग इसके क्रॉच को स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टिच का जो मार्जिन है वो 1/2 इंच रखेंगे। कुछ लोग क्रॉच की स्टिचिंग पहले कर लेते हैं और उसके बाद साइड को स्टिच करते हैं। अगर उस तरह से आप करेंगे तो हमारा जो स्टिच है वो क्रॉच के पास हमेशा खुल जाता है, इसलिए हम लोग पहले साइड को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉच की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग सेंटर के पास आएंगे तो मार्जिन को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोल्ड करके और स्टिच को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए स्टिच लगाएंगे। मजबूती के लिए हम लोग क्रॉच के पास डबल स्टिच लगा लेंगे। अब हम लोग इस पे भी ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम लोग क्रॉच पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो स्टिच का जो मार्जिन रहेगा वो किसी भी एक डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से करके इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। स्टिचिंग या कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से प्लाजो का दोनों लेग तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें बेल्ट और इलास्टिक को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच का इलास्टिक ऐड करूँगी। बेस्ट का जो साइज है वो 32 है, तो मैंने इसका इलास्टिक जो लिया है वो 30 इंच लिया है। बेल्ट के लिए हम लोग ने पहले ही फैब्रिक कट कर लिया था जो कि 3.5 इंचेज हमारा ब्रिथ वाइज है, और लेंथ वाइज जितना हमारा कमर का सरकमफेरेंस है उसके अनुसार हम लोग ले लेंगे। बेल्ट और इलास्टिक कैसे प्लाजो में, पैंट में या फिर स्कर्ट में अटैच करते हैं उसका मैंने ऑलरेडी एक सेपरेटली वीडियो शेयर कर रखा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप किस तरह से हम लोग इलास्टिक को इसमें अटैच करेंगे उसका मेथड देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें बेल्ट को अटैच कर दिया है और इलास्टिक को लगा दिया है। ये जो प्लाजो है वो 36 इंच का बन के तैयार हुआ है। अगर आप इससे ज्यादा लंबी बनाना चाहते हैं तो जो हम लोग ने फोल्ड किया है नीचे में उसकी जगह पे आप दूसरा फैब्रिक यूज कर सकते हैं, या फिर उसे 1/2 इंच का ही फोल्ड करें। आप 1.5 मीटर कपड़े में आराम से स्मॉल और मीडियम साइज का प्लाजो बना सकते हैं। इस तरह से ये प्लाजो बनके तैयार हो चुका है। आप इसे ब्लैक या व्हाइट कुर्ती या टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। अगर फ्यूचर में आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड और भी इमेजेज और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।